गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ रामूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास इलेवेंथ का थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.9 के क्वेश्चन नंबर 11 व इससे आगे करेंगे। तो इलेवेंथ क्वेश्चन से आगे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए, तो इलेवेंथ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास। उसने कहा है इफ टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/7 एंड टेंजेंट बी इज इक्वल टू 1/3, तो शो करना है कोस 2a इज इक्वल टू साइन 4b। तो स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग। कोस 2a का फार्मूला हमारे पास टेंजेंट में क्या होता है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर a अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर a। तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर a यानी टेंजेंट a की वैल्यू 1/7 का स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस 1/7 का स्क्वेयर। तो ये आएगा स्टूडेंट 1 माइनस 1/49 अपॉन 1 प्लस 1/49। तो स्टूडेंट 49 एलसीएम, तो 49 माइनस 1 अपॉन 49 एलसीएम, तो 49 प्लस 1, तो इससे कैंसिल। तो 49 माइनस 1 48 अपॉन 50, तो यहाँ पे स्टूडेंट 224 और 225, ये 24 अपॉन 25 आया स्टूडेंट्स। अब साइन 4b का फार्मूला राइट हैंड साइड ली स्टूडेंट्स। साइन 4b 2 साइन 2b कोस 2b आ जाएगा, यानी इसका हाफ कर देते हैं 2 साइन ए कोस ए। तो यहाँ पे 2 साइन 2b का फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट टेंजेंट में, 2 साइन 2b का टेंजेंट में फार्मूला 2 टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेन स्केयर बी। और स्टूडेंट्स कोस 2b का फार्मूला 1 माइनस टेंजेंट स्केयर बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्केयर बी। तो देखिए 2 इंटू 2 टेंजेंट बी, टेंजेंट बी की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे, तो स्टूडेंट 2 टेंजेंट बी, टेंजेंट बी की वैल्यू 1/3 है, 1 प्लस टेंजेंट स्केयर बी 1/3 का स्केयर। और यहाँ पे 1 माइनस 1/3 का स्केयर अपॉन 1 प्लस 1/3 का स्केयर। तो 2 एज इट इज 2/3 अपॉन 3 का स्केयर 9 प्लस 1। और यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 का स्केयर 9, ये 9 माइनस 1 अपॉन 3 का स्केयर 9 और 9 प्लस 1, 9 से 9 कैंसिल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बना 2 इंटू 2/3 और ये 9 प्लस 1 10 अपॉन 9 फर्स्ट बाय सेकंड थर्ड बाय फोर्थ ऊपर चली जाएगी स्टूडेंट्स और थर्ड नीचे। और 9 माइनस 1 ये आ गया 8 अपॉन 9 प्लस 1 10। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 3 जा 9, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 8 3 जा 24 और ये भी आया 25। सो आपने देखी लेफ्ट हैंड साइड में 24 अपॉन 25 और राइट हैंड साइड भी 24 अपॉन 25। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब 12th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इफ 2 टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 3 टेंजेंट बीटा, प्रूव करना है हमें टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा को साइन 2 बीटा अपॉन 5 माइनस कोस 2 बीटा। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, फार्मूला है टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। तो 2 टेन अल्फा किसके इक्वल है, 3 टेन बीटा के इक्वल है स्टूडेंट्स हमारे पास। तो स्टूडेंट मैंने न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 टेन अल्फा आ गया ऊपर माइनस 2 टेन बीटा और डिवाइड में 2 प्लस 2 टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा। और हमें जो प्रूव करना है इसको बीटा में चाहिए, यानी अल्फा को हमें नहीं रखना। तो अल्फा को अगर नहीं रखना है इट मींस अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, टू टेन अल्फा की जगह हम 3 टेन बीटा रखेंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स 3 टेन बीटा यहाँ पे
माइनस टू टेन बीटा, और इसी तरह से यहाँ पे टू प्लस टू टेन अल्फ़ा की वैल्यू थ्री टेन बीटा इंटू टेन बीटा है ये टेंजेंट बीटा। तो थ्री टेन बीटा माइनस टू टेन बीटा टेंजेंट बीटा, और टू प्लस थ्री टेन बीटा इंटू टेन बीटा थ्री टेंजेंट स्केयर बीटा, और टेन बीटा को स्टूडेंट्स हम साइन बीटा अपॉन कोस बीटा बोल सकते हैं, प्लस टू प्लस थ्री टेन स्केयर बीटा को साइन स्केयर बीटा अपॉन कोस स्केयर बीटा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो साइन बीटा अपॉन कोस बीटा, कोस स्केयर बीटा एलसीएम हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे टू कोस स्केयर बीटा प्लस थ्री साइन स्केयर बीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए साइन बीटा अपॉन कोस बीटा, और ये फोर्थ ऊपर चले जाए कोस स्केयर बीटा अपॉन टू कोस स्केयर बीटा प्लस थ्री साइन स्केयर बीटा। तो इससे एक कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो साइन बीटा कोस बीटा हो गया ये, तो ऊपर मैंने टू से मल्टीप्लाई किया टू साइन बीटा कोस बीटा बन गया, और डिवाइड में टू से डिवाइड भी करेंगे तो टू थ्री जा टू टू जा फोर कोस स्केयर बीटा हो गया ये, प्लस थ्री टू जा सिक्स सिक्स साइन स्केयर बीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे टू साइन बीटा कोस बीटा ये बन गया साइन टू बीटा का फार्मूला, और डिवाइड में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे फोर कोस स्केयर बीटा है, तो मैंने क्या किया स्टूडेंट मुझे यहाँ पे चाहिए फाइव, तो मैंने क्या किया फोर कोस स्केयर बीटा है इसमें मैंने प्लस का कोस स्केयर बीटा ऐड किया और माइनस का कोस स्केयर बीटा कर दिया, और यहाँ पे सिक्स साइन स्केयर बीटा इसको फाइव साइन स्केयर बीटा प्लस साइन स्केयर बीटा बोल दिया, तो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। तो सिक्स को मैंने फाइव प्लस वन कह दिया, और यहाँ पे इसमें मैंने वन कोस स्केयर ऐड कर दिया वन वही माइनस किया। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन टू बीटा अपॉन फाइव कोस स्केयर बीटा और प्लस ये फाइव साइन स्केयर बीटा को मैंने अलग कर दिया स्टूडेंट्स, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये कोस स्केयर बीटा, और यहाँ पे प्लस में माइनस कॉमन ले तो माइनस साइन स्केयर बीटा। तो ये आया स्टूडेंट्स साइन टू बीटा, तो ये फाइव कॉमन हो गया स्टूडेंट्स, कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर कितना हो गया हमारे पास वन हो जाएगा, कोस स्केयर बीटा प्लस साइन स्केयर बीटा आ जाएगा, और ये माइनस का कोस स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर बीटा कोस टू बीटा का स्टूडेंट फार्मूला बन गया। तो ये बन गया साइन टू बीटा अपॉन ये फाइव कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर वन माइनस कोस टू बीटा, दिस वी हैड टू प्रूव। ये देखिए स्टूडेंट्स तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम थर्टींथ क्वेश्चन देखते हैं, तो थर्टींथ क्वेश्चन में उसने कहा है प्रूव दैट, प्रूव करना है हमें टू कोस थीटा को रूट टू प्लस टू कोस एट थीटा के इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये मैंने राइट हैंड साइड ली, यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है मेरे पास टू प्लस टू कोस एट थीटा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स टू प्लस रूट टू प्लस यहाँ से टू कॉमन हो गया, यहाँ पे वन प्लस कोस एट थीटा हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स टू प्लस वन प्लस कोस एट थीटा का फार्मूला टू कोस केयर जितना यहाँ पे उसका हाफ एट थीटा का हाफ फोर थीटा, वन प्लस कोस जब भी आया टू कोस केयर आ जाएगा जितना यहाँ पे उसका हाफ। अब यहाँ पे टू प्लस अगेन यहाँ से टू कॉमन आ गया स्टूडेंट्स, अंदर से टू कॉमन हो गया यानी ये टू एज इट इज, तो टू टू या फोर ये तो मल्टीप्लाई में स्टूडेंट तो फोर कोस स्केयर थीटा है स्टूडेंट्स, ये फोर कोस स्केयर फोर थीटा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास क्या आएगा टू प्लस फोर का रूट टू
और कोस केयर का रूट कोस फोर थीटा आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट हमारे पास ये टू प्लस, यहाँ से स्केयर रूट के अंदर टू कॉमन हो गया तो वन प्लस कोस फोर थीटा, तो यहाँ पे अगेन स्टूडेंट टू प्लस रूट के अंदर टू इंटू वन प्लस कोस थीटा का फार्मूला टू कोस स्केयर जितना यहाँ पे उसका हाफ टू थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे टू प्लस फोर हो गया, फोर का रूट टू और कोस स्केयर का रूट कोस टू थीटा। अब टू कॉमन हो गया स्टूडेंट्स, ये वन प्लस कोस टू थीटा बन गया और सारे का स्केयर रूट, तो ये बन गया टू इंटू वन प्लस कोस टू थीटा का फार्मूला टू कोस स्केयर जितने यहाँ पे उसका हाफ थीटा सारे का स्केयर रूट और फोर का रूट टू और कोस स्केयर का स्टूडेंट्स कोस थीटा, तो दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो यही हमें हमारी लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स इसका फोर्टीन्थ क्वेश्चन। तो फोर्टीन्थ क्वेश्चन है, प्रूव करना है हमें कोस स्केयर पाई बाय एट प्लस कोस स्केयर थ्री पाई बाय एट प्लस कोस स्केयर फाइव पाई बाय एट प्लस कोस स्केयर सेवन पाई बाय एट को टू के इक्वल। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, ये लेफ्ट हैंड साइड ले हैं तो कोस स्केयर पाई बाय एट एज इट इज प्लस कोस स्केयर थ्री पाई बाय एट एज इट इज, तो प्लस ये कोस स्केयर है तो फाइव पाई बाय एट को हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, एट है फाइव पाई बाय एट को एट पाई माइनस थ्री पाई तो फाइव पाई बाय होगा और प्लस कोस स्केयर सेवन पाई बाय एट को एट पाई माइनस वन पाई सेवन हो गया अपॉन एट कह सकते हैं स्टूडेंट, एट सेवन पाई को एट पाई माइनस वन पाई। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कोस स्केयर पाई बाय एट प्लस कोस स्केयर थ्री पाई बाय एट और यहाँ पे एट पाई बाय एट अलग से करें तो कोस स्केयर कितना बन जाएगा पाई और माइनस थ्री पाई बाय एट और यहाँ पे कोस स्केयर एट पाई बाय एट पाई और माइनस पाई बाय एट, तो कोस स्केयर पाई बाय एट प्लस कोस स्केयर थ्री पाई बाय एट प्लस कोस 180 से चेंज होगा नहीं होगा, तो कोस का कोस थ्री पाई बाय एट का थ्री पाई बाय एट कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड में कोस क्या है पॉजिटिव तो सेकंड में कोस नेगेटिव और लेकिन नेगेटिव का स्केयर क्या आ जाएगा स्केयर है तो पॉजिटिव आ जाएगा तो ये कोस स्केयर। इसी तरह से ये स्टूडेंट्स कोस पाई से चेंज नहीं होगा, कोस का कोस पाई बाय एट का पाई बाय एट और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, नेगेटिव का स्केयर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब देखिए कोस स्केयर पाई बाय एट और कोस स्केयर पाई बाय एट हमारे पास टू कोस स्केयर पाई बाय एट हो गए, कोस स्केयर थ्री पाई बाय एट और कोस स्केयर थ्री पाई बाय एट टू कोस स्केयर थ्री पाई बाय एट हो गए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे टू एज इट इज, ये कोस स्केयर पाई बाय एट एज इट इज, तो आप देखिए तो टू कॉमन हो गया स्टूडेंट्स से तो टू कॉमन हो गया स्टूडेंट्स यहाँ से तो कोस स्केयर थ्री पाई बाय एट। अब स्टूडेंट्स पाई की वैल्यू होती है 180, तो अगर मैं 180 रखता हूँ यहाँ पे 180 अगर मैं रखूँ 180 डिवाइड बाय 8 यानी 180 यानी 22.5 बनेगा और ये 22.5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 67.5 क्योंकि ये 22.5 बनेगा और 22.5 को 3 से 67.5 यानी 90 माइनस 22.5 होगा 67.5 को, तो यानी इसको मैं इस तरह से बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स कोस स्केयर पाई बाई एट एज इट इज प्लस कोस स्केयर इसको मैं 90 माइनस यानी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 बोल सकता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 करके देखे एलसीएम ले करके देखोगे आप, तो मैं यहाँ पे रफ में वर्क कर रहा हूँ 8 एलसीएम 2 4 8 4 पाई माइनस 1 पाई तो 4 पाई माइनस 1 पाई 3 पाई तो 3 पाई बाय 8 आएगा, तो यानी 3 पाई बाय 8 को पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, तो टू कोस स्केयर पाई बाय एट कोस 90 माइनस थीटा आएगा स्टूडेंट्स साइन थीटा, साइन थीटा कितना है पाई बाय टू 90 माइनस थीटा और ये स्केयर है तो स्केयर, अब कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा ये कितना होता है स्टूडेंट्स 1 ये थीटा हो गया और ये भी थीटा यानी पाई बाय एट है ना
कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और ये देखिए कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा ये 1, तो आंसर आया 2। तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आया, राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स हम इसका 15th क्वेश्चन करते हैं। 15th में क्या है हमारे पास, प्रूव करना है हमें 1 प्लस कोस पाई बाय 8, 1 प्लस कोस 3 पाई बाय 8, 1 प्लस कोस 5 पाई बाय 8, 1 प्लस कोस 7 पाई बाय 8 को किसके इक्वल प्रूव करना स्टूडेंट्स, 1 बाय 8 के इक्वल। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने 1 प्लस कोस पाई बाय 8 एज इट इज, 1 प्लस कोस 3 पाई बाय 8 एज इट इज, 1 प्लस कोस 5 पाई बाय 8 को मैंने अभी ऊपर भी बताया था 5 पाई बाय 8 था, ये क्या था पाई माइनस 3 पाई बाय 8 होगा, यानी 5 पाई बाय 8 को पाई माइनस 3 पाई बाय 8 बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। एलसीएम ले लें तो आप देखोगे तो 5 पाई बाय 8 आएगा, और यहाँ पे 1 प्लस कोस 7 पाई बाय 8 को कोस पाई माइनस पाई बाय 8 बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। हम अभी हमने किया है, ये देखिए आपको ऊपर दिया पाई माइनस पाई बाय 8, 7 पाई बाय 8 को कन्वर्ट किया था। तो ये स्टूडेंट्स 1 प्लस कोस पाई बाय 8 और ये 1 प्लस कोस 3 पाई बाय 8, और स्टूडेंट्स 1, अब कोस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा ये कोस थीटा, कोस 3 पाई बाय 8 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, सेकंड में कोस नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। इसी तरह 1 कोस पाई माइनस यानी कोस 180 माइनस थीटा कोस थीटा होगा पाई बाय 8 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में कोस नेगेटिव तो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। अरे ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी 1 प्लस कोस पाई बाय 8 इंटू 1 माइनस कोस पाई बाय 8, और यहाँ पे 1 प्लस कोस 3 पाई बाय 8 इंटू 1 माइनस कोस 3 पाई बाय 8। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर यानी 1 का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर कोस स्क्वेयर पाई बाय 8, और यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी 1 का स्क्वेयर माइनस बी का कोस स्क्वेयर 3 पाई बाय 8। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास 1 का स्क्वेयर माइनस कोस स्क्वेयर पाई बाय 8 आया है, और 1 का स्क्वेयर माइनस कोस स्क्वेयर 3 पाई बाय 8 आया है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 का स्क्वेयर 1 माइनस कोस स्क्वेयर पाई बाय 8 एज इट इज, और यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वेयर 3 पाई बाय 8 को कोस स्क्वेयर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 बोल सकता हूँ, ये पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 को करेंगे तो 3 पाई बाय 8 आएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वेयर पाई बाय 8, और यहाँ पे 1 माइनस कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन पाई बाय 8, और स्केयर है तो स्केयर। अब मल्टीप्लाई करते हैं स्टोर 1 इंटू 1 1 माइनस, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करें माइनस को कोस स्केयर पाई बाय 8, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करें स्टूडेंट्स तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करें माइनस का साइन स्केयर पाई बाय 8, और इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ करें स्टूडेंट्स तो ये आएगा कोस स्केयर पाई बाय 8 साइन स्केयर पाई बाय 8। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 माइनस को माइनस को मैं ले लिया, ये कोस स्क्वेयर पाई बाय 8 आ गया, और प्लस का साइन स्क्वेयर पाई बाय 8, और स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका भी स्क्वेयर और इसका भी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन पाई बाय 8 कोस पाई बाय 8 सारे का होल स्क्वेयर, क्योंकि सारे का स्क्वेयर था तो मैंने अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया और सारे को 2 से डिवाइड किया, तो ये आया 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा ये 1, और इनटू, और स्टूडेंट यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन रहेगा बीच में, और प्लस प्लस रहेगा स्टूडेंट से बीच में, और 2 साइन थीटा कोस थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा का फार्मूला साइन 2 और थीटा कितना पाई बाय 8, और डिवाइड में स्टूडेंट्स 2 है और सारे का स्क्वेयर 2 4 जा
एट, तो वन माइनस वन ये कैंसिल हो गया, ये बच गया हमारे पास साइन पाए बाय फोर अपॉन टू है, अपॉन टू मीन्स यहाँ पे टू और सारे का स्केयर, और साइन बाय पाए बाय फोर की वैल्यू वन बाय रूट टू, और नीचे टू भी है स्टूडेंट और इसका क्या है स्केयर, तो वन बाय रूट टू का स्केयर क्या आएगा स्टूडेंट, वन बाय टू का यानी एट आ जाएगा स्टूडेंट, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब 16th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, 16th क्वेश्चन उसने कहा है टू कोस थीटा अगर हमारे पास एक्स प्लस वन बाई एक्स के इक्वल है तो टू कोस थ्री थीटा को अपने एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्रूव करना है, यानी इफ टू कोस थीटा किसके इक्वल है एक्स प्लस वन बाई एक्स के इक्वल है तो टू कोस प्रूव करना है, प्रूव कीजिए टू कोस थ्री थीटा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब के, तो स्टूडेंट टू कोस थीटा यानी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो टू कोस थ्री थीटा फार्मूला क्या है टू इंटू कोस थ्री थीटा का फार्मूला, यानी कोस थ्री थीटा का फार्मूला है स्टूडेंट्स हमारे पास 43 माइनस की 31, मैंने आपको बताया तो 43 माइनस यानी 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस की 31 3 कोस थीटा ऐसे ही बोला था स्टूडेंट्स, यानी 43 और ये 31 है वन है ना, तो अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 2 4 जा 8 कोस क्यूब थीटा और 2 3 जा 6 यानी 3 इंटू 2 कोस थीटा यही आया स्टूडेंट, 8 को मैं स्टूडेंट्स 2 की क्यूब और कोस थीटा की भी क्यूब है तो यानी 2 कोस थीटा सारे की क्यूब बोल सकता हूँ और 3 इंटू 2 कोस थीटा यही है स्टूडेंट्स हमारे पास, और 2 कोस थीटा की वैल्यू है एक्स प्लस वन बाई एक्स यानी एक्स प्लस वन बाई एक्स की क्यूब माइनस 3 इंटू 2 कोस थीटा की वैल्यू है, 2 कोस थीटा की वैल्यू रखी स्टूडेंट्स मैंने एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये देखिए एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो स्टूडेंट यहाँ पे ए प्लस बी की क्यूब का फार्मूला खोलेंगे, यानी ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब वन बाई एक्स क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेयर बी, थ्री ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इंटू बी वन बाई एक्स प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर थ्री एक्स इंटू वन बाई एक्स का स्क्वेयर, और ये माइनस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करें माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री बाई एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री इंटू वन बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल स्टूडेंट इससे ये कैंसिल, तो ये बन गया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, तो आंसर कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। 17th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, 17th क्वेश्चन है इफ टू साइन थीटा हमारे पास एक्स प्लस वन बाई एक्स के इक्वल है तो प्रूव करना है हमें साइन थ्री थीटा को किसके इक्वल, साइन थ्री थीटा प्लस वन बाय टू एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब को जीरो के इक्वल, तो देखिए स्टूडेंट्स साइन थ्री थीटा का फार्मूला है हमारे पास थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया टू से मल्टीप्लाई कर दिया सारे को, तो और टू से ही मैं डिवाइड करता हूँ, तो अगर मैं टू से मल्टीप्लाई करता हूँ स्टूडेंट्स सारे को, अगर टू से मल्टीप्लाई करता हूँ तो टू थ्री जै सिक्स साइन थीटा आ जाएगा, टू फोर जै एट साइन क्यूब थीटा ये आ जाएगा, और टू से डिवाइड किया तो वन बाई टू आ जाएगा, अब देखिए यानी साइन थ्री थीटा किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स मेरे पास वन बाई टू एज इट इज, सिक्स साइन थीटा को यानी थ्री इंटू टू साइन थीटा और माइनस एट साइन क्यूब को टू साइन थीटा सारे का क्यूब, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वन बाय टू इंटू थ्री टू साइन थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स एक्स प्लस वन बाई एक्स यानी एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस टू साइन क्यू थीटा की वैल्यू एक्स प्लस वन बाई एक्स यानी एक्स प्लस वन बाई एक्स की क्यूब, तो वन बाई टू इंटू
ये आ गया 3x प्लस ये आ गया 3/x माइनस ए प्लस बी की क्यूब का फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² इंटू बी प्लस 3ab² 1/x का स्क्वायर, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये आया स्टूडेंट्स 1/2 इंटू 3x प्लस 3/x माइनस एक्स क्यूब माइनस 1/x³ और माइनस 3x और माइनस 3/x आ जाएगा स्टूडेंट्स। इससे ये कैंसिल स्टूडेंट, इससे ये कैंसिल, तो ये हमारे पास बचा माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें, माइनस 1/2 एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 1/x³ बन जाएगा अगर माइनस कॉमन ले लिया। तो स्टूडेंट्स ये साइन 3 थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ये रखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, जीरो हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, साइन 3 थीटा ये माइनस का सारा इस साइड आके प्लस का 1/2 x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 0, और यही देखिए स्टूडेंट हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अब स्टूडेंट्स 18th क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव करना है हमें टेंजेंट ए, 18th का फर्स्ट पार्ट, टेंजेंट ए, टेंजेंट 60 डिग्री माइनस ए, टेंजेंट 60 डिग्री प्लस ए को टेंजेंट 3a के इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं स्टूडेंट्स, टेंजेंट ए, अब देखिए टेन ए माइनस बी का फार्मूला, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, और टेन 60 प्लस ए का फार्मूला, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट 60 टेंजेंट ए। तो यहाँ पे टेंजेंट ए, टेन 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स √3 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेन 60 वाली √3 इंटू टेंजेंट ए, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 प्लस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस टेन 60 वैल्यू √3 इंटू टेंजेंट ए। अब स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे टेंजेंट ए एज इट इज, यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्केयर यानी √3 का स्केयर माइनस बी का स्केयर टेंजेंट का स्केयर ए, और डिवाइड में ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की स्केयर 1 का स्केयर माइनस √3 टेंजेंट ए का स्केयर। तो स्टूडेंट्स टेंजेंट ए √3 का स्केयर सिंपल 3 माइनस टेंजेंट स्केयर ए अपॉन 1 माइनस √3 का स्केयर सिंपल 3 टेंजेंट स्केयर ए। अब देखिए स्टूडेंट टेंजेंट ए को अंदर मल्टीप्लाई करें, टेंजेंट 3 टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट ए को यहाँ मल्टीप्लाई करें, टेंजेंट की क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्केयर ए। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला बन गया हमारे पास टेंजेंट 3a का, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम सेकंड पार्ट करेंगे, हमारे पास कोट ए है हमारे पास, इनटू प्रूव करना है हमें कोट 60 माइनस ए और कोट 60 प्लस ए इज इक्वल टू कोट 3a। स्टूडेंट्स सिंपल से आपको ये टेन 3a बना है, तो कोट ए को 1/tangent a बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स में, और यहाँ कोट 60 माइनस ए को टेंजेंट 60 माइनस ए बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स, और कोट 60 प्लस ए को टेंजेंट 60 प्लस ए नीचे लिख सकता हूँ 1/tangent। तो 1/ में हमने स्टूडेंट्स इन सबको 1/ में लगाए ये फार्मूला, अगर 1/ में लगाते जाएंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे ये 1/ में टेन 3 आ जाएगा, तो 1/tan³ कोट 3 आ जाएगा स्टूडेंट, 1/ में लगेगा स्टूडेंट्स तो लास्ट में 1/tan³ आ जाएगा, तो 1/tan³ किसके इक्वल आएगा कोट 3a के। तो सेम है, सेम एज क्वेश्चन 18 का फर्स्ट पार्ट, ये देखिए स्टूडेंट 1/ में ये सेम चीज़ बन गई ना, ये देखिए बस 1/ में चला गया, ये सारा 1/ में चला गया, तो 1/tan³ आ जाएगा आंसर, 1/tan³ का मतलब कोट 3a, तो यही तो हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 19th क्वेश्चन,
तो 19th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है हमें साइन 3a प्लस साइन 2a माइनस साइन ए को 4 sin a कोस ए बाय 2 कोस 3a/2 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन 3a माइनस साइन ए इसको मैंने आगे लिख लिया, प्लस साइन 2a पीछे लिख लिया, तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, ये सी और ये हो गया डी, तो 2 cos c + d/2 3a + a/2 cos c - d 2 cos c + d/2 sin c - d यानी 3a - a/2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये साइन आएगा स्टूडेंट्स, और ये प्लस साइन 2a एज इट इज, तो ये बन गया स्टूडेंट 2 cos 3a + a 4a/2 2a, साइन 3a - a 2a 2a/2 साइन ए प्लस साइन 2a, साइन 2a को स्टूडेंट 2 sin a cos a बोल सकते हैं हम, तो 2 sin a, तो 2 sin a हमारे पास कॉमन आ गया, कोस 2a + cos a, तो 2 sin a हमारे पास कॉमन, कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला 2 cos c + 2a + a/2 cos c - d 2a - a/2, तो स्टूडेंट्स ये बन गया 2 2 जा 4, ये साइन ए कोस 3a/2 और ये कोस 2a - a cos a/2, दिस इज वी हैड टू प्रूव दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट 19th का, cos² a + cos² a + 120 डिग्री प्लस cos² a - 120 डिग्री इज इक्वल टू 3/2। स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इसको 3/2 के इक्वल प्रूव करना है। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में देखिए cos² a का फार्मूला क्या है, 1 + cos 2a/2, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक मल्टीपल फार्मूला बताया था, जब यानी मैंने मल्टीपल फार्मूला क्या बताया था, जब भी 1 + cos 2a आ जाए तो उसका फार्मूला 2 cos² a, यानी 1 + cos 2a अपॉन ये 2 डिवाइड में आ गया, तो यानी ये cos² a का फार्मूला बन गया, यानी cos² a का फार्मूला क्या आया, 1 + cos 2a/2, यानी जितना a है उसका ट्वाइस लिखेंगे फिर हम यहाँ पे, उल्टा लिख रहे हैं स्टूडेंट, तो अगेन cos² a का 1 + cos 2a यानी इसका ट्वाइस, यानी ये आ जाएगा 2a + 240/2, इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 + cos यहाँ पे भी 2a - 240/2, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सारे का एलसीएम मेरे पास 2 आ गया, तो ऊपर बच गया 1 + cos 2a + 1 + cos 2a - 240 + 1 + हमारे पास cos 2a - 240, यही आ गया स्टूडेंट्स, तो 1 + 1 + 1 ये आ गया 3 + cos 2a + cos 2a + 240 + cos 2a - 240/2, तो स्टूडेंट्स ये 1/2 तो बाहर एज इट इज रखा, ये 3 + cos 2a भी एज इट इज, यहाँ पे स्टूडेंट्स कोस सी प्लस को ये सी और ये डी का फार्मूला 2 cos c + d/2 यानी 2a + 240 + d 2a - 240/2 cos c - d/2 कोस सी 2a + 240 - 2a और माइनस माइनस +240/2, तो ये 1/2 3 + cos
टू ए प्लस टू कोस 240 से 240 के टू ए प्लस टू ए फोर ए, फोर ए डिवाइड बाई टू कोस टू ए बन जाएगा स्टूडेंट्स। और ये कोस यहाँ से टू ए कैंसिल, 240 प्लस 240 ये आ जाएगा, 240 प्लस 240 आ जाएगा 480, 480 डिवाइड बाई टू अगेन 240 आ जाएगा स्टूडेंट्स। हमारे पास बचा स्टूडेंट्स 1 बाय टू 3 प्लस कोस 2a और 2 कोस 2a और कोस 240 है, कोस 240 को 180 प्लस 60 बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए ये 1 बाय टू एज इट इज, 3 प्लस कोस 2a प्लस है स्टूडेंट्स यहाँ पे कोस 2a प्लस प्लस 2 कोस 2a एज इट इज और कोस 180 प्लस थीटा, कोस थीटा कोस थीटा 180 और थर्ड क्वाड्रेंट कोस नेगेटिव, तो नेगेटिव कोस 60 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 1 बाय टू 3 प्लस कोस 2a प्लस 2 कोस 2a इन टू माइनस कोस 60 की वैल्यू माइनस 1 बाय टू 2 से यानी माइनस एज इट इज और 1 बाय टू 2 से 2 कैंसिल। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो 1 बाय टू इंटू 3 प्लस कोस 2a और ये प्लस माइनस माइनस कोस 2a, तो यहाँ से इससे ये कैंसिल, तो ये आया 3 बाय टू और दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट, एट्थ का हमारे पास थर्ड पार्ट है, 19th का थर्ड पार्ट वो है साइन रेज टू पावर 4 पाई बाय 8 प्लस साइन रेज टू पावर 4 3 पाई बाय 8 प्लस साइन रेज टू पावर 4 5 पाई बाय 8 प्लस साइन रेज टू पावर 4 7 पाई बाय 8 को हमें 3 बाय 2 के इक्वल प्रूव करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स अगेन ये सेम रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, पहले हमने साइन स्केयर में किया है अब ये पावर 4 में है, तो साइन रेज टू पावर 4 पाई बाय 8 प्लस साइन रेज टू पावर 4 3 पाई बाय 8 और साइन रेज टू पावर 4 5 पाई बाय 8 को हम पाई माइनस 3 पाई बाय 8 बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह से साइन की पावर 4 7 पाई बाय 8 को पाई माइनस पाई बाय 8 बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए ये आएगा साइन रेज टू पावर 4 पाई बाय 8 प्लस साइन रेज टू पावर 4 3 पाई बाय 8, साइन 180 से चेंज होगा तो साइन का साइन 3 पाई बाय 8 का 3 पाई बाय 8, कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव तो और सारे की पावर 4 और ये साइन इसी तरह से ये बन जाएगा, ये 180 से चेंज होगा साइन का साइन पाई बाय 8 का पाई बाय 8, 4 है पावर तो 4 रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो साइन स्केयर प्लस यानी कितने हो गए हमारे पास 2 साइन स्केयर साइन की पावर 4 पाई बाय 8 और 2 साइन की पावर 4 3 पाई बाय 8 हो गए, तो 2 तो कॉमन ले लिया हमने स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स साइन रेज टू पावर 4 साइन की पावर 4 पाई बाय 8 एज इट इज प्लस साइन की पावर 4 3 पाई बाय 8 को स्टूडेंट्स साइन की पावर 4 एज इट इज ये 3 पाई बाय 8 को पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 बोल सकते हैं हम, तो 3 पाई बाय 8 आएगा स्टूडेंट्स आप देख सकते हो। तो 2 तो मैंने बाहर ले लिया, तो 2 साइन की पावर 4 पाई बाय 8 और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाएगा, कोस की पावर यानी कोस थीटा पाई बाय 8 और पावर 4 है तो 4। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 एज इट इज साइन स्केयर का स्केयर बोल सकते हैं स्टूडेंट्स इसको पाई बाय 8 का स्केयर और इसको कोस स्केयर का पाई बाय 8 का स्केयर बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए यह साइन स्केयर थीटा का मल्टीपल फार्मूला ये बनेगा स्टूडेंट 2 1 माइनस कोस 2 थीटा यानी 2 थीटा थीटा है पाई बाय 8 अपॉन 2 और सारे का स्केयर और यहाँ पे कोस स्केयर का भी बताया था 1 प्लस कोस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाय 8 और अपॉन 2 और सारे का क्या है स्केयर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो अभी मैंने आपको ये फार्मूला कंस्ट्रक्ट करके दिया,
वन प्लस यानी कोस के रे का फार्मूला वन प्लस कोस टू ए, और साइन आता तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला लगाया, टू फोर जा एट, टू फोर जा एट। तो यहाँ पे हमारे पास बचा स्टूडेंट्स टू इंटू वन माइनस कोस पाई बाई फोर अपॉन टू सारे का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस वन प्लस कोस पाई बाई फोर अपॉन टू सारे का स्क्वायर, और इस सारे के बाहर क्या है स्टूडेंट्स, टू है। यहाँ पे भी सारे के बाहर टू था, तो हमारे पास ये सारे के बाहर टू है। तो देखिए स्टूडेंट्स, टू एज इट इज वन माइनस कोस पाई बाई फोर की वैल्यू वन बाई रूट टू अपॉन टू और सारे का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस वन प्लस वन, यहाँ पे स्टूडेंट वन प्लस कोस पाई बाई फोर वन बाई रूट टू अपॉन टू सारे का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, टू एज इट इज रूट टू एलसीएम, तो रूट टू माइनस वन और नीचे टू है तो टू का होल स्क्वायर, प्लस इसी तरह से यहाँ पे रूट टू, ये रूट टू प्लस वन अपॉन टू है तो टू इस सारे का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, टू एज इट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी रूट टू का स्क्वायर सिंपल टू, प्लस बी स्क्वायर वन माइनस टू ए बी, इन टू ए बी का फार्मूला टू रूट टू आ जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास सबका, इसका भी टू रूट टू, देखिए इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो डायरेक्ट मैं ये कह सकता हूँ टू रूट टू का स्क्वायर एलसीएम हो गया। और यहाँ पे फार्मूला खोल दिया, यहाँ पे ए प्लस बी का फार्मूला टू प्लस वन प्लस टू रूट टू ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, और इससे ये कैंसिल, तो दो और एक तीन और तीन छः दूनी बारह, और डिवाइड में टू रूट टू का स्क्वायर एट, तो फोर टू जा एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व, तो आंसर आया थ्री बाय टू, और दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसका थर्ड फोर्थ पार्ट है, प्रूव करना है हमें साइन ए, साइन 60 माइनस ए, साइन 60 प्लस ए को 1 बाय 4 इंटू साइन 3 ए के इक्वल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए साइन ए, अब साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है साइन स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, साइन स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी के इक्वल होता है। तो ये फार्मूला लगा दिया, तो साइन ए और साइन स्केयर 60 की वैल्यू रूट थ्री बाई टू का स्केयर और माइनस साइन स्केयर ए, अब स्टूडेंट रूट थ्री बाई टू का स्केयर थ्री बाय फोर माइनस साइन स्केयर ए, और साइन ए है बाहर साइन ए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फोर एलसीएम, तो थ्री माइनस फोर साइन स्केयर ए, और बाहर क्या है स्टूडेंट साइन ए, तो साइन ए से मल्टीप्लाई करें, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए अपॉन फोर, तो दिस इज इक्वल टू साइन, ये ऊपर वाला बन गया साइन थ्री ए का फार्मूला, और अपोन क्या है फोर, तो यानी वन बाई फोर, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है, अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।